नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मौलवी से उर्दू सीखने गई छात्रा के साथ दुष्कर्म, पुलिस को दी शिकायत। नाबालिग की मां ने दर्ज कराया मामला। खड़गदम में उर्दू की पढ़ाई करने वाले युवक द्वारा गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार करने का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग की मां के बयान पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दुष्कर्म का आरोप मौलवी नूर इस्लाम पर लगा है, जो खड़गदम में उर्दू पढ़ाने का काम करता है। उसी वार्ड की एक महिला ने अपनी बेटी को उर्दू सिखाने के लिए उसके पास ट्यूशन लगवाया और वह रोजाना ट्यूशन पर जाया करती थी। सोमवार को जब वह टाइम पर वापस नहीं लौटी तो उसने अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर लड़की नहीं मिली और ना ही आरोपी मौलवी मिला। महिला ने आरोपी की पत्नी को इस बारे में पूछा तो उसने भी कुछ सही जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्हें उसकी बेटी के मटीनी चौक पर बेसुध पड़ी होने की सूचना मिली। मौके पर जाकर उन्होंने अपनी बेटी को संभाला तो उसने बताया कि नूर इस्लाम उसे ज़बरदस्ती कार में बैठा कर ले गया और खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे मटीनी रोड के पास उतार कर भाग गया। नाबालिग की मां के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी जसपाल सिंह का कहना है कि नाबालिग की मां के बयान के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जो पीड़ित लड़की है 16 वर्ष की, इसकी एज है, इसकी माता की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि उसकी बेटी जो सातवीं कक्षा की छात्रा है और नूरुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास वो उर्दू सीखने जाती थी। तो उसके घर 11 बजे घर गई उर्दू सीखने के लिए, गई वहाँ उसके काफ़ी शाम तक उसने वेट किया है, उसकी बेटी घर वापस नहीं आई। तो जब उसने छानबीन की तो उसको बेहोशी की हालत में टुंडू चौक पर वो मिली, जो नूरुल इस्लाम के खिलाफ हमने एफ आई आर करके उसको रात अरेस्ट कर लिया और आगे निमा सरकार भी। नमस्कार, मेरा नाम वंदना भार्गव है। मैं ट्यूलिप हॉस्पिटल में एज ए डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 9 से 4 तक ओपीडी और आईपीडी पेशेंट्स को देखती हूँ। आजकल खाने पीने के बारे में बहुत समस्या हो रही है। लोग बाहर का खाते हैं और गलत खान पान की वजह से ही बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने खाने की आदतों में सुधार करना चाहिए और टाइमली अपने खाने को लेना चाहिए और हमें बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक खाने को लेना चाहिए, जिसमें कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें हमें अपना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइमली लेना चाहिए और हमें बाहर के जंक फूड और पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं और अपने हाइजीन को भी मेंटेन कर सकते हैं और हमें बहुत सारे अपने खाने में मोटा अनाज। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, स्ट्रेमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।